फर्जी कागजात के जरिए मंडी से कोयला की हो रही हेराफेरी का भांडा फोर रामगढ़ पुलिस ने बीते दिन किया था। एसआईटी की टीम ने कुज्जू ट्रांसपोर्ट नगर के एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में छापामारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। जांच में कुज्जू थाना में पदस्थापित 2 दरोगा अमर शुक्ला और बलवंत दुबे सहित जमींदार सतेंद्र शर्मा की मिलीभगत से अवैध कोयला की हेराफेरी में संलिप्त पाए गए हैं, जिस पर रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार ने कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। रामगढ़ पुलिस द्वारा कोयला की हेराफेरी मामले पर सीसीएल के अधिकारियों पर भी जांच चल रही है। सूत्रों की माने तो एसआईटी टीम दरभंगा हाउस रांची जाकर जांच कर रही है, जिस जांच के बाद सीसीएल के अधिकारियों पर भी गाज गिरना तय है। थी कि उड़ी मारी कोयलियरी से कोयला निकलता है और वहाँ से जिस कागजात के आधार पर कोयला निकाला जाता है उस कागजात को चेंज करके उसमें फोर्ज किया हुआ डॉक्यूमेंट लगा करके और अन्यत्र कहीं कोयला ले जाया जाता है। इसी संदर्भ में गहनता से जांच किया गया तो पता चला कि 12 तारीख की रात्रि को 4 ट्रक निकली थी जिसका गंतव्य स्थान अकॉर्डिंग टू सीसीएल उत्तर प्रदेश होना चाहिए था, बट वो बंगाल की तरफ जा रहा था। इसी में जो पुलिस पदाधिकारी पकड़े थे उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई थी, तो जो कोयला के हेरेफेरी कर रहे थे वो सभी लोग पकड़ा गए हैं, सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनको जेल भेजा गया है। जिस साइबर कैफे में अवैध तरीके से कागजात बनाया जाता था उस साइबर कैफे के ओनर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और वहाँ से भारी मात्रा में सीसीएल के कागजात, सीसीएल के स्टाम्प, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर इत्यादि बरामद किया गया है। और इस पूरे प्रक्रिया में हमारे कुछ पदाधिकारी की गतिविधि संदिग्ध पाई गई है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उन पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।